अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। ए पी आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर है जी। मैं यहाँ पे जो है वो ज़्यादा ऊँची नहीं बोल सकता क्योंकि इस वक्त जो है मैं मस्जिद में खड़ा हूँ और अभी मैंने जो अपना पिछला ब्लॉग जो है यहाँ पे ख़त्म किया है, तो अभी मैं न्यू ब्लॉग जो है अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और आगे जो हम जाने वाले हैं जी अपनी शालीमार डेस्टिनेशन पर। गार्डन है शालीमार, अगर आपने लाहौर अगर आए हैं तो आप लाजमी जाएँ, विज़िट करें, अपने बच्चों को फैमिली को लेके जाएँ। तो आगे जो है हम वहीं पर निकलने वाले हैं। इस वक्त मैं और मेरे साथ एक दोस्त हैं, हम दो लोग हैं यहाँ पर। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो शॉट है आपको मैं उसी गार्डन का जाके देता हूँ और अभी जो है मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ। अच्छा तो यार फाइनली आ चुके हैं जी शालीमार बाग में। यहाँ से जो है वो एंट्री होती है, अगर आप वहाँ पे आएँ एंट्री, और वहाँ पे जो है अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद आप सामने यहाँ पे एंट्री करके आगे जो है वो शालीमार में इंटर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से इंटर हो लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके जी, इंट्री के बाद आ चुके हैं जी यहाँ पे, और मेन साफ मैदान है, घास लगा हुआ है और कुछ नहीं है। असल जो है मज़ा है इसकी दूसरी साइड पर, तो उधर निकलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओए भाई साहब, आ चुके हैं जी, और यहाँ पे अगर आप मेरे वीडियो को अगर फोकस करें तो आपने ऐसी पिक्चर्स या वीडियो जो आपने कैमरे में कई दफ़ा नोट की होंगी, देखी होंगी। तो ये है जी इस गार्डन का जो असल व्यू। बाकी यहाँ पे आम दरख्त लगे हुए हैं, बैठने की जगह है, लोग हैं बैठे हुए हैं सारे, कोई डेट मारने आया हुआ है वैसे बैठा हुआ है। तो बस यही सीन है जी, आगे और भी कुछ मिलता है तो वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो जो है वो यही सीन है, गार्डन है बस। बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है, किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं, तो अलग ही लेवल है यहाँ का। चलते चलते भाई ये हमें यहाँ पे इसकी डिटेल मिली है, तो मैं आगे पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी जिसने पढ़नी है वो वीडियो को रोक कर पढ़ सकता है। ये है जी, ठीक है, ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब ये जो फाउंटेन बने हुए हैं यहाँ पर तो नहीं चल रहे, यहाँ पे तो सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है। शाम में शायद चलें या नहीं चलें उसका हमें कोई आइडिया नहीं। तो अभी इस तरफ चलते हैं, सामने वॉक करते हुए, फिर उसके बाद दूसरी और कोई जगह देखते हैं। जहाँ तक भी नज़र जा रही है सारे दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं, कोई इसमें और यूनिक चीज़ या कुछ ऐसा म्यूज़ियम वगैरह वो कुछ भी नहीं है इसमें, तो उधर ही चलते हैं। वो सामने जो है ऑरेंज ट्रेन जा रही है अगर आपको नज़र आए तो, ये भी लाहौर की जो है शान बन चुकी है। और इस तरफ जो है हम जा रहे हैं जो वॉक करते हुए, आगे पहुंचते हैं, निकलते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। लो जी, इधर से वॉक करते करते हम यहाँ पे आए हैं, और ये फाउंटेन नज़र आया जी सारा गंदा पानी है इधर, ठीक है, कोई भी इतना माहौल नहीं है। और यहाँ पे जी बस यही है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बस ये कुछ ग्रीनरी है, और इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। Oh my heart, just so I can feel the break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love in all of my days. चलिए गाइस, वॉक करते हैं, हम जा रहे हैं जी आगे, और यहाँ से निकलने लगे हैं जी। ये इन्होंने सीढ़ियाँ और केव बनाई हुई हैं, और सामने जो है वो सारा व्यू नज़र आता है। आगे जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। ये है जी गाइस गार्डन का व्यू, और नीचे जो है फाउंटेन है जो पता नहीं कब चलता है। आगे वही चीज़ें हैं बस, कोई इतना ख़ास माहौल है नहीं यहाँ पे। तो खैर, निकलते हैं आगे हमारी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस, अभी हम जाने वाले हैं जी अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, ज़ू की तरफ। यहाँ पर बैठे हैं शालीमार गार्डन में, तकरीबन घंटा हो गया हमें बैठे हैं, फिरे हैं, कुछ इंजॉय किया है और बातशाती की है। तो अभी जो है काफ़ी मज़ा आया, रिफ़्रेश हो चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट जो है उधर चलते हैं।
तो अगले जो क्लिप्स है मैं आपको उधर के जाके देता हूँ। अभी हम खड़े हैं जू की पार्किंग में और सामने जो है लाहौर जू है वो अगर आपको सामने लोगों नज़र आए ये वाला ठीक है। और आते ही हमें जो है वो पार्किंग में क्या मिला है देखो, डक्स मिली है हमें आते ही। तो खैर अभी यहाँ से टिकट लेते हैं, आगे चलते हैं और उसके बाद आपको जो है सारा जू जो एक्सप्लोर करते हैं इसी वीडियो में। मेरा ख्याल है कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जानी है, तो शायद इस वीडियो के दो पार्ट आए, अभी पक्का नहीं है। इसके बाद हमने वाटरफॉल की तरफ जाना है, वो भी कोई छोटा सा पॉइंट है, दो मिनट का हमारे व्लॉग में होगा, तो वो भी इसी में कवर करके हम इसके दो पार्ट बना देंगे। तो अभी खैर मोटरसाइकिल लॉक कर दिए, हेलमेट हर चीज़ हमने ले लिए, तो अभी निकलने लगे हैं जी। गाइस आ चुके हैं जी जू में और यहाँ जो है जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये ऐसे सामने आपके जू जो आ जाता है, और सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो हमें मिली जी यहाँ पर बंदर, ये एक बैठा हुआ है जी, पते छते खा रहा है। तो आके सबसे पहले जो है आपको यही चीज़ मिलती है, यही आपका स्वागत करते हैं जी। उसके बाद हम आगे निकलते हैं, इसका थोड़ा सा जो है वो मैप देख लेते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। ये इन्होंने कुछ डायरेक्शन दी हुई है, सामने एक साइड पे कछुआ है, दराई घोड़ा है, और इस साइड पे मगरमच्छ है, चिड़ियाखाना है, आबशार है और परिंदे हैं। तो चलो निकलते हैं जी सबसे पहले आगे इस तरफ निकलते हैं जी, उसके बाद फिर दूसरी साइड जो है सारी घूमते हैं, पहले जो है इस साइड निकलते हैं। वॉक करते करते दोस्तों आ चुके हैं पिंजरे की दूसरी जानब, और सामने जो है वो कैंटीन आ चुकी है, और ये ऊपर इन्होंने एक पहाड़ी बनाई हुई है, इसके ऊपर शेर है, हम पहले भी इधर आ चुके हैं। तो एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं आगे जाते हैं, अभी तो जो है वो यही है। और ये एक जगह मिली है जी, इस पर ऊपर लिखा तो कुछ नहीं होया, तो जा रहे हैं इसमें, देखते हैं, मेरे ख्याल से इधर हिप्पोस होते हैं इस मखलूक को, यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है हिप्पोस। जी गाइस आगे निकलते ही जो है वो मंदिरों का चिड़ियों का घर सारा, और उसके आगे भी वही हिप्पोस की है जगह जहाँ पे ये फिरते हैं, खुला माहौल इनको देते हैं ये। हम जो है वो अब दूसरी साइड पे जाने लगे हैं और वहाँ से निकलते हैं आगे। वो सामने की तरफ अगर आपको नज़र आए तो उधर जो है वो इन्होंने जराफ रखे हुए हैं, वो देखते हैं जाके। लो जी सामने की तरफ हमें कैंगरू नज़र आया, खाना खा रहा है बेचारा। चलो आगे निकलते हैं जी, आ जाओ सामने डियर चेक करें, हमें डियर्स जो है चलती फिरती नज़र आई, डियर्स हजरात सामने डियर चेक करें। ओके जी गाइस अभी बैठे हैं यहाँ पे, थक हार के आके बैठ गए हैं, पानी शानी पीने लगे हैं, बिस्किट लाए हैं वो खाने लगे हैं, तो उसके बाद निकलते हैं जी आगे। और ऐसी जगहों के ऊपर जब आप आते हैं तो एक रिक्वेस्ट कह लें या आपके लिए एक मशवरा कह लें कि जब भी आपने आना है अपने खाने पीने की चीज़ें आपने बाइक से लेके आनी है, यहाँ से अगर आपको लेंगे तो वो आपको डबल रेट में मिलेंगी, 50 वाली पानी की बोतल जो है आपको यहाँ पे 100 रुपए में मिलेगी। तो हमें तो जो पता है, हम तो जो है पहले इधर आ चुके थे, तो इस दफ़ा जो है हम अपना पानी, हम अपने बिस्किट, अपने जो भी चीज़ हमने खानी है वो साथ लेके आए हैं सिंगल रेट के अंदर, ठीक है, मार्केट रेट में जो बाइक से लेके आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी आते हैं तो आप बाइक से आएँ लेके अपनी चीज़ें जो भी खानी है आपने, तो आपके लिए आसानी होगी। खैर अभी खाते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे निकलते हैं, जानवर आपको सारे दिखाते हैं, तो उसके बाद जो है वो एक्सप्लोर करते हैं सारा जू। फिलहाल तो यहाँ पे आके बैठ गए हैं और 11-12 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से 12 का टाइम हो चुका है, तो एक घंटा हम बैठेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है आगे निकलते हैं।